सौर मंडल जिसे हम अपना घर कहते हैं, कहते हैं कि स्पेस ही हमारी पहचान है। वैसे तो पूरे सौर मंडल में कई सारे सौर मंडल है, पर हमारा सौर मंडल सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं की बहुत सारी स्पेसिस पाई जाती है। वैज्ञानिक कैलकुलेशन के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और उसी दौरान हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था। तो सवाल आता है कि आखिर सौर मंडल क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड और बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट शामिल है, जबकि हमारा सूर्य उसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो पूरी सोलर फैमिली को प्रकाश देने का काम करता है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नेस और नेपच्यून शामिल है। हालांकि पहले इसमें प्लूटो का नाम भी शामिल था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हमारे सौर मंडल में न जाने कितने छोटे ऑब्जेक्ट मौजूद है जो पूरी सौर मंडल में घूमते रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं धूमकेतु। धूमकेतु को बर्फ का मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये गैस और पानी से मिलकर बने होते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो गैस के गोले हैं जो कभी प्लैनेट नहीं बन पाए। धूमकेतु परिक्रमा करते वक्त जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वह बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये गैस और धूलकण निकलते हैं, जिसके फलस्वरूप विशालकाय ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। हमारे सौर मंडल का एक ऐसा इलाका है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच पड़ती है। इसमें हजारों लाखों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड चट्टान और पत्थर से बने होते हैं, जिनमें लोहा और निकेल का कुछ हिस्सा शामिल होता है। हमारे सौर मंडल का पहला ग्रह मर्क्यूरी है, जिसे हमारे पूर्वज हजारों सालों से जानते थे। इस प्लेनेट का नाम मर्क्यूरी है और इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। मर्क्यूरी के बाद सूर्य से सबसे निकट ग्रह है वीनस और चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जबकि शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। ये माना जाता है कि शुरुआती दिनों में शुक्र ग्रह पर जीवन रहा होगा, लेकिन आज शुक्र पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस हो चुका है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण बहुत तेज ग्रीन गैस इफेक्ट पैदा होता है। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहें।